शुक्रवार को कैंपियरगंज के ठाकुर नगर के मोहलीपुरवा टोला में पाए गए बुजुर्ग का कोरोना पॉजिटिव में से शनिवार को बीआरडी मेडिकल कॉलेज में मौत हो गई, जिसको लेकर अब गोरखपुर मंडल में कुल एक्टिव कोरोना मरीज की संख्या 27 हो गई है, जबकि अब तक 13 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। आपको बता दें कि राजस्व ग्राम कैंपियरगंज के ठाकुर नगर गाँव के मोहलीपुरवा निवासी 62 वर्षीय बुजुर्ग रविवार की रात मुंबई से बीमारी की हालत में घर आया था। बृहस्पतिवार को स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गाँव के 5 लोगों समेत बुजुर्ग और उनकी पत्नी को जाँच के लिए CHC बनकटी लेकर गए, जबकि बुजुर्ग और उनकी पत्नी को जांच के लिए महाराजगंज जिला अस्पताल भेज दिया गया। वहीं पर बुजुर्ग दंपत्ति का सैंपल लेकर जांच के लिए बीआरडी मेडिकल कॉलेज भेजा गया। शुक्रवार को बुजुर्ग की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जबकि पत्नी की रिपोर्ट निगेटिव है। इस दौरान दोनों लोग महाराजगंज में क्वारंटीन थे। बुजुर्ग की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उसे बीआरडी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था, जहाँ इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मंडलायुक्त जयंत नालीकर ने कहा, पद में देखें तो 27 केसेस हो गए हैं, एक अनफॉर्चुनेट डेथ हुई है। आज हमारे यहाँ जो राजस्व ग्राम गोरखपुर जनपद का पड़ता है, CMO महाराजगंज का केस है। वो केस करीब 65 साल के वो व्यक्ति थे और कोमॉर्बिडिटी है, मतलब उनको और भी डिजीजेस थी। प्रिंसिपल साहब ज़्यादा डिटेल दे पाएंगे। और टोटल हमारे पास इस समय 27 केसेज हैं जो एक्टिव केसेज हैं, और लगभग हमने 13 केसेज ठीक किए हैं अभी तक, 13 केसेज को डिस्चार्ज किया।